आई विल से कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि यू नो डोंट वेस्ट टाइम और जस्ट इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ और डोंट वेस्ट टाइम इन यू नो जजिंग समवन, क्रिटिसाइजिंग समवन और इन गॉसिप्स और टू हर्ट समवन या फिर टू डायरेक्ट हो जाना, बिकॉज दैट्स वॉट आई एम वर्किंग ऑन. क्योंकि मुझे लगता है कि जितना टाइम हम सेव करके उसके उसमें कुछ अपने लिए कुछ कर सके, कुछ इन्वेस्ट कर सके, तो यू नो हम लाइफ में काफ़ी आगे निकल सकते हैं. हर दिन एक हमें मौका देता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड मुझे लगता है सक्सेस जो है काफ़ी इंटरनल चीज़ है. कई बार हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है अकाउंट्स में और हम एक्चुअली दुनिया के लिए सक्सेसफुल होते हैं, पर अंदर से सक्सेस नहीं फील कर पाते हैं. बट कभी कभी यू नो बिना कुछ करे भी यू फील सक्सेसफुल. सो इट इज़ सक्सेस काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर मुझे लगता है कि सक्सेस होती है. जब आप पर्सनल लाइफ में भी यू नो यू फील सेटिस्फाई इन योर आउटर लाइफ या अपने जॉब में, करियर में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो सब चीज़ों का मिला जुला संगम है मुझे लगता है सक्सेस. और आई फील अ वेरी सक्सेसफुल टुडे वट एवर आई एम डूइंग. मेरी फिल्म आई थी पिछले साल टीटू अंबानी, और बस मैं भी वेट ही कर रही हूँ कि कब वो OTT पे रिलीज़ हो और मुझे और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए. और मीनवाइल आई एम बिज़ी ऑन सोशल मीडिया, सो एंड इन माय लाइफ लर्निंग ओडिसी डांस, आल्सो टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली, इन्वेस्टिंग टाइम ऑन माय सन. सो या सो आई एम बिज़ी, यू नो नॉट बिज़ी इंगेजिंग तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर यस वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट. तो जैसे ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो आप मुझे ज़रूर देखेंगे. ये मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं रियलिटी शो के लिए जा सकती हूँ. नो अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कई सालों से ऑफर्स आ रहे हैं, बट अब मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हुई हूँ कि अपनी लाइफ को 2-3 महीने के लिए साइड रख के और मैं यू नो सन्यासी की जैसे निकल पड़ूँ. तो 2-3 मंथ इज़ अ बिग टाइम. तो लेट्स सी, अगर कुछ डांस रियलिटी शो होगा तो येस आई विल दिस ईयर, आई कैन, आई थिंक डेफिनेटली विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो पहले घर पे खूब सारी मस्ती करूँगी, फिर फ्रेंड्स के घर जाऊँगी और मस्ती करूँगी. होली को खूब इन्जॉय करें, बस पानी को वेस्ट मत करें, रंगों के साथ ऑर्गेनिक कलर्स के साथ होली खेलें और किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचाएँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां.